श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आनंद कंदम प्रभु देव चंद्रम व्रजे शरूपेण पुरा पिजातम प्रविश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम परे सततं नमामि ब्रह्मा प्रियाजागरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दीने कबन्धो शरणं प्रपद्ये दीने कबन्धो शरणं प्रपद्ये श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री सतगुरु महाराज की। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री पांच नवतन पुरी धाम की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। जगद्गुरु आचार्य श्री अक्षर कृष्णमणि जी महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की। 20 चौपाय तक हमने कल प्रसंग 20 चौपाय तक का प्रसंग श्रवण कर लिया था, तो आज से हम 21वीं चौपाय से श्रवण करेंगे। तो 20 चौपाय दोहराते हैं। सर्वप्रथम तुम जाओ सुनने श्री भागवत भट्ट जी के बुलवा आए, तुमको कोई न रो कहीं चलो पहुँचावे धाये, चलो पहुँचावे धाये। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब 21वीं चौपाई में प्रवेश करते हैं। तो कल का जो प्रसंग है, सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को माता पिता कथा में जाने के लिए रोकते हैं, तो अंतिम में देवचंद्र जी महाराज बेहोश होकर के गिर जाते हैं। फिर माता पिता क्या कहते हैं कि तुम जाओ सुनने श्री भागवत भट्ट जी के बुलवा आए। देखो यहाँ माता पिता झूठ बोल रहे हैं ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? कोई भट्टा जी का बुला, भट्टा जी ने किसी को भेजा नहीं था, फिर भी यहाँ क्यों कहा भट्टा के बुलवा आए? उन्होंने कहा भट्टा जी के, भट्टा जी ने, कांजी भट्टा ने आपको लेने के लिए किसी को भेजा है, किसी को संदेश दे करके भेजा है, वहाँ से बुलावा आया है। ऐसा क्यों कहा हैं? यह प्रसंग थोड़ा सा इसीलिए कि उस समय जो
कठिन परिस्थिति जो थी कि देवचंद्र जी महाराज अब शरीर बिल्कुल ही अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है, उनका कोई होश नहीं है, इसीलिए उन्हें जगाने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई आए नहीं थे वहाँ लेने के लिए। इसीलिए देखो कभी, इसलिए बोला सत्य की रक्षा के लिए कभी झूठ भी बोलना पड़ता है। तो सत्य की रक्षा के लिए बोली गई झूठ है, वो झूठ नहीं है, ऐसा है। लेकिन झूठ की रक्षा के लिए यदि सत्य बोले तो वो भी गलत है। यदि झूठ की रक्षा होती हो सत्य बोलने से तो वहाँ पर वो सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कहीं यदि सत्य की रक्षा होती हो, कीमती वस्तु की कोई रक्षा होती हो, वहाँ झूठ बोलना पड़े तो वो समय देख करके बोला गया झूठ भी, वो झूठ नहीं कहलाता। तो यहाँ कहा ये झूठ क्यों बोला कि देवचंद्र जी जागृत हो जाए, इस अर्थ में। तो तुमको कोई न रोके, अब कोई रोकने वाला नहीं है, चलो पहुँचावे धाय, हम शीघ्रता से तुम्हें स्वयं छोड़ने के लिए तैयार हैं, पहुँचाने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक का प्रसंग हमने श्रवण कर लिया था। अब 21वीं चौपाई में कहते हैं, एक आध घड़ी पीछे कछुक भय सावचेत, तब उठ बैठे भय मुख होए गया सुपेता। कहते हैं एक आध घड़ी पीछे, अब निश्चित इतने समय में ऐसा नहीं है, लेकिन एक आधी घड़ी, तो एक घड़ी भी हो सकता है, आधी घड़ी भी, अथवा तो डेढ़ घड़ी, एक और आधी घड़ी, इतने में देवचंद्र जी महाराज कुछ सावचेत हो गए। कुछ सावचेत मतलब कुछ होश में आना, अभी तक बेहोश थे, अचेत अवस्था में थे, अब उनमें थोड़ा सा हलन चलन हो गया, चेत आ गया, होश आ गया। तो एक घड़ी मतलब कितना होता है, देखो प्राचीन काल में समय जिसको काल बोलते हैं, काल को मापने का एक मानदंड जिसको मापदंड भी बोलते हैं, तो ये घड़ी, तो एक घड़ी में अभी के हिसाब से 24 मिनट होते हैं। एक घड़ी में कितने 24 मिनट होते हैं अभी के हिसाब से। तो यदि डेढ़ घड़ी माना जाए, एक आधा घड़ी, एक घड़ी और आधा घड़ी माना जाए, तो कितना हुआ 24 और 12 कितना हुआ, हाँ 24 और 12 34 36 हो गया ना। तो आधा घंटे से थोड़ा ज़्यादा, आधा घंटे पौने घंटे ऐसे ही बोल सकते हैं, कोई निश्चित समय नहीं है। एक आधी घड़ी मतलब लगभग 35-40 मिनट, अब सीधा हिसाब करें तो 36 मिनट होते हैं, लेकिन 36 ही मिनट में जगह ऐसा नहीं है, 35-40 मिनट अथवा तो आधा घंटा से लेकर 45 मिनट तक वो बेहोश रहे, ठीक इस अर्थ में। तब बाद में जाकर के कछुक भय सावचेत, माता पिता बार बार उनको जगाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, इतने में आधा घंटा पौने घंटा के अंदर कुछ सावचेत हो गए, कुछ होश में वे आ गए। तब उठ बैठे भय मुख होए गया सुपेता, तब थोड़ा हलन चलन किया, माता पिता ने उनको साथ सहारा दिया, तो उठ करके बैठ गए, ऐसे बैठ गए जैसे बीमार आदमी थोड़ा टेका लेकर के बैठते हैं। तो इसी तरह से तब उठ बैठे भय, वो बैठ गए, जो मतलब बिल्कुल जमीन में पड़े थे निचेष्ट अवस्था में, अब वो उठ करके बैठ गए, लेकिन क्या हुआ, मुख होए गया सुपेत, सुपेत मतलब है सफ़ेद कलर, बिल्कुल उड़ जाना, जिसमें शरीर में अब रक्त संचार नहीं हुआ हो, इस तरह से वो सफ़ेद हो जाना। अब यहाँ सफ़ेद का मतलब जैसे कागज़ जैसे सफ़ेद होता है, ऐसा सफ़ेद नहीं, जैसे शरीर में शरीर का कलर उड़ जाना, अब चेहरे में कोई रक्त संचार,
ફિકા પડી, હા ફિકા થઈ જવાનું, તો બિલકુલ ફિકા હો ગયા. તો યહાં સુપેદ કા મતલબ સીધા સીધા અર્થ હૈ સફેદ, લેકિન સફેદ મતલબ પૂરા એસે સફેદ નહીં, વો ભાવ હૈ ફિકા હો ગયા. તો ઇસ તરહ સે જૈસે ઇસ પ્રકાર કે કપડે હૈ વો ધૂપ મેં સુખાતે તો ફિકા હો જાતા હૈ ના, બસ કપડા તો સફેદ હો ગયા બોલેંગે, લેકિન સફેદ નહીં હૈ ઉસકા કલર ઉડ જાના. ઇસ તરહ સે એક વો ઉનકે ચહેરે સે કલર ઉડ ગયા થા, શરીર મેં સે કલર નિકલ ગયા થા, ફિકા હો ગયા થા, યે અર્થ હૈ. તો આગે કહેતે હૈ જાયે શ્રવણ કરો શ્રી ભાગવત, કોઈ ના બરજે તુમ લાઠી પકડ ઠાડે ભય, કહો તો પહોંચાવે હમ. તો અબ જબ બેઠ ગયે દેવચંદ્રજી મહારાજ, તબ માતા પિતા ને ક્યા બોલા, જાયે શ્રવણ કરો શ્રી ભાગવત, હે દેવચંદ્રજી આપ જાકર કે ભાગવત કથા શ્રવણ કરો, જાય જાકર કે શ્રવણ કરો શ્રી ભાગવત, ભાગવત શ્રવણ કરો. કોઈ ના બરજે તુમ, તુમે અબ કોઈ રોકને વાળા નહીં હૈ. બરજે મતલબ, બરજે મતલબ રોકના, તો અબ તુમે કોઈ રોકને વાળા નહીં હૈ, કોઈ નહીં રોકેંગે, જાકર કે આપ ભાગવત કથા શ્રવણ કરો. લાઠી પકડ ઠાડે ભાઈ, જબ માતા પિતા ને ઇતના કહા, ફિર ઉસકે બાદ મેં સદગુરુજી પહેલે ભી વો લાઠી લેકર કે જાને કે લિયે તૈયાર થે, વહી લાઠી નજદીક થી, તો વો લાઠી પકડ કરકે, તો લાઠી મતલબ ક્યા હૈ, જો ટેકા કે લિયે હાથ મેં સહારે કે લિયે લાઠી, જિસકો સંસ્કૃત મેં યષ્ટિકા બોલતે હૈ, તો યષ્ટિકા સે લાઠી બના, યષ્ટિકા હૈ સંસ્કૃત મૂળ શબ્દ, તો પકડ ઠાડે ભાઈ, લાઠી પકડ કરકે વો ખડે હો ગયે, ઠાડે મતલબ ખડે હો ગયે, કહો તો પહોંચાવે હમ. ફિર ભી પિતાજી બોલ રહે હૈ કે આપ કહો તો મેં પહોંચાને કે લિયે આ જાઉંગા, કહો તો યદિ કહેતે હો તો પહોંચાવે હમ, હમ આયેંગે આપકો છોડને કે લિયે. લેકિન દેવચંદ્રજી મહારાજ કુછ નહીં બોલે, એક ભી શબ્દ મુખ સે ઉચ્ચાર નહીં કર રહે હૈં. શ્રી દેવચંદ્રજી બોલે નહીં, ચલે શ્યામજી મંદિર દ્વાર, આયે બૈઠે સભામિને સુનત શ્રવણ ઉસ્તવાર. તો દેવચંદ્રજી મહારાજ કુછ ભી નહીં બોલે. પિતાજી ને કહા કે યદિ કહો તો મેં છોડને કે લિયે આ જાઉં, તો દેવચંદ્રજી કુછ ભી નહીં બોલે, ઓર ચલે શ્યામજી મંદિર દ્વાર, તો બિના બોલે મૌન રહે કરકે લાઠી કે સહારે વે ચલે શ્યામજી મંદિર મેં, જહાં નિત્ય પ્રતિ કથા શ્રવણ કરતે થે. આયે બૈઠે સભા મિને, જા કરકે બેઠ ગયે સભા મેં, સબ બેઠ ગયે થે, આજ વિલંબ હો ચુકા થા, સબ બેઠ ગયે થે, જા કરકે ચુપચાપ સભા મેં બેઠ ગયે, સુનત શ્રવણ ઉસ્તવાર. તો યહાં ઉસ્તવાર મતલબ શ્રવણ બડે ચાવ સે હોશિયાર પૂર્વક, યહાં મતલબ ઉસ્તવાર મતલબ એકદમ તલ્લીન હો કરકે, મગ્ન હો કરકે, દૃઢતા સે હોશિયારપૂર્વક, કહીં ભી ઇધર ઉધર મન ન ભટકે, ઇસ પ્રકાર સે વહાં મગ્ન હો કરકે, તલ્લીન હો કરકે, યહ કથા સુનને અબ લગ ગયે, યે અર્થ હૈ સુનત શ્રવણ ઉસ્તવાર. બડે તલ્લીનતા કે સાથ મેં, મગ્નતા કે સાથ મેં, હોશિયારપૂર્વક અપના ધ્યાન અન્યત્ર કહીં ભી ભટકે નહીં, મન અન્યત્ર કહીં ભાગે નહીં, ઇસ હિસાબે ચૌકન્ના હો કરકે વે કથા શ્રવણ કરને લગ ગયે. દેખીએ અબ અલગ અલગ બીતક મેં ઇસમાં ક્યા હૈ કે પિતાજી ગયે ઉનકો લેકર કે હાથ પકડ કરકે વહાં પહોંચે, ઓર ભટ્ટજી સે કહા કે ભટ્ટજી ये श्री कृष्ण जी की कृपा से एक पुत्र प्राप्त हुआ था, आज मैं श्री कृष्ण के चरण में ही उन्हें सौंपने आया हूँ करके ये पूरी घटना, पूरी कथा जो आज घटा हुआ वृत्तांत, ये सब सुनाने की चर्चा भी अन्य बीतकों में है.
लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सीधा सीधा सद्गुरु जी स्वयं गए और सभा में बैठ गए, कथा श्रवण करने लग गए। माता पिता का जाने का यहाँ कोई जिक्र नहीं है, लेकिन किसी भी तक में यह भी प्रसंग है, पिताजी गए और पूरी घटना सुना करके कहा कि देवचंद्र जी ये श्री कृष्ण कृपा से प्राप्त हुआ मेरा पुत्र है, उनके चरणों में मैं सौंपने आया हूँ। क्यों? क्योंकि यह कृष्ण के लिए ही बना हुआ है। तो आज की पूरी घटना सुनाते हैं, ऐसा प्रसंग है। जब भागवत सुन के फेर के आए घर, तब ही चैन जो पाइया ठाड़ा नरया जोरा। आव देखिए, जो कसनी होनी थी, जो परीक्षा अग्नि परीक्षा होनी थी वो हो गई। अब भागवत श्रवण वे निष्ठा से कर रहे थे, अब कर रहे हैं। अब उस दिन जो घटना घटी उसके बाद में क्या हुआ, जब भागवत सुन के फेर के आए घर, तब ही चैन जो पाइया। अब उसी दिन से अब शरीर में थोड़ा आराम मिलने लग गया। तब ही चैन जो पाइया, अब कथा से जैसे उठे तो उनको लगा कि अब घर गए, उनको लगने लगा शरीर बिल्कुल हल्का हो रहा है, चैन हो रहा है, मतलब आराम महसूस हो रहा है। अब पहले जो पीड़ा थी, दर्द था शरीर में, वो नहीं रहा। ये तब ही चैन मतलब आराम वो पाने लग गए, आराम उनको मिलने लग गया। ठाड़ा न रया जोरा, ठाड़ा देखिए यहाँ क्या सीधा सीधा अर्थ करे तो क्या होगा, ठाड़ा न रहा जोर ठाड़ा नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है, ठाड़ा मतलब सीधा सीधा तो खड़ा रहना है ना, ठाड़ा होने का मतलब खड़ा रहना, लेकिन इसका भाव क्या है, अब उसका प्रभाव स्थिर नहीं है, प्रभाव शांत हो गया। ज्वर का जो प्रभाव है ना वो अब स्थिर नहीं है, अब वो धीरे 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 न्यून होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है ज्वर का प्रभाव। ठाड़ा न रया ज्वर, अभी तक वो प्रभावी था, खड़ा रह करके सद्गुरु जी को वो दर्द दे रहा था, शरीर में वो पीड़ा दे रहा था, लेकिन अब उन्हें आराम मिलने लग गया, चैन हो गई। और कहते हैं ज्वर का प्रभाव अब स्थिर नहीं हो सका, अब धीरे धीरे वो न्यून होता गया। फिर यहाँ से पथ लिया, होए चली फुर्सत, दिन दिन चढ़ते गए यही कसनी की हद। अब लालदास जी महाराज यहाँ समझा रहे हैं कि सुंदर साथ जी, अब सदगुरु जी ने फिर यहाँ से पथ लिया, पथ मतलब आहार, अब सदगुरु जी ने धीरे धीरे आहार लेना शुरू कर दिया। फिर यहाँ से अब पथ लिया, उन्होंने आहार लेना शुरू कर दिया। होए चली फुर्सत, अब फुर्सत हो गई, मतलब सदगुरु जी को फुर्सत हो गई। किस अभी तक कहाँ व्यस्त थे, अभी तक व्यस्त थे इसलिए फुर्सत कहा होगा। यहाँ फुर्सत का मतलब क्या है, छुटकारा मुक्ति, ठीक है। अभी तक वो ज्वर के बंधन में बंधे थे, मतलब ज्वर ने उनको बांध रखा था, जकड़ रखा था, तो वहाँ अब उनको मुक्ति मिल गई, अब ज्वर का प्रभाव घट गया, मतलब उससे उनको छुटकारा मिल गई। ये फुर्सत का मतलब यह है, अब सदगुरु जी थोड़ा आराम महसूस करने लगे, ज्वर का प्रभाव कम हो गया, मतलब ज्वर से छुटकारा उनको मिल गया। दिन दिन चढ़ते गए, यहाँ चढ़ने का मतलब क्या है, दिन दिन प्रतिदिन चढ़ते गए, मतलब प्रतिदिन स्वस्थ होते गए, मतलब आज से कल से आज अधिक, आज से कल अधिक, इस तरह से धीरे 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 स्वस्थता का सोपान चढ़ने लगा, मतलब शरीर स्वस्थ होने लगा। परसों से कल थोड़े स्वस्थ हो गए, कल से आज स्वस्थ हो गए, आज से फिर आने वाला कल और अधिक स्वस्थ होंगे, इस तरह से दिन दिन चढ़ते गए, मतलब स्वस्थता वृद्धि होती गई, चढ़ने का मतलब
स्वस्थता में अभिवृद्धि होना, स्वस्थता का माप बढ़ना, ये अर्थ है। दिन दिन चढ़ते गए, यही कसनी की हद। यह कसनी मतलब कष्ट। ये कौन सा कष्ट? परीक्षा की घड़ी। यह परीक्षा की जो घड़ी कसौटी है ना, कसनी मतलब कसौटी, यही यह कसौटी की हद, मतलब वो सीमा यहीं तक थी। हद मतलब सीमा, यही कसनी की हद। हद मतलब क्या है? सीमा, बाउंड्री, उसको घेरा भी बोलते हैं। जैसे जमीन की बाउंड्री होती है, किसी भी खेल मैदान का बाउंड्री होता है, तो किसी भी की भी सीमा होती है ना, अपनी जो जो जमीन है उसकी सीमा होती है। तो इसी तरह से वो यहाँ कहने का मतलब है, सद्गुरु जी को जो कसौटी होनी थी, जो कष्ट होना था, अग्नि परीक्षा देनी थी, बस इसका ये अंतिम पड़ाव था, मतलब अंतिम घेरा था, अंतिम सीमाना यहाँ तक, फिर वो पास हो गए, उसको स्पर्श किया, मतलब वो पास होना, ये भाव है। तो कसनी, यही कसनी की हद, तो सीमा यहीं तक ही थी। दिन 10-15 हुए कथा सुनत है कान, तहां आए दीदार दिया तुमको मेरी है पहचान। अब यहाँ 26वीं चौपाई में कहते हैं इस तरह से, जो वहाँ घटित हुई घटना, घर में इस तरह से गिर जाना, फिर बाद में जा करके श्रवण करना, कथा श्रवण करना, उसमें से कथा से लौट करके फिर धीरे धीरे शरीर में आराम होना, ये सब अब लगभग 10-15 दिन हो गए थे। तब से लेकर के अभी तक का जो समय अंतराल है वो 10-15 दिन, 10-15 जब व्यतीत हो, ये कथा सुनते हैं कान। देखो कान, कथा सुनते हैं कान, इसका क्या मतलब है? बड़े निष्ठा से ध्यान से श्रवण करना। देखो कान केवल यहाँ होने से सुनाई थोड़ी देता है, शरीर यही है, कान यही है, कान इस ओर ही सबके हैं, लेकिन सब सुन रहे हैं, सब सुनेंगे, ऐसी जरूरत नहीं है। मन जहाँ होगा, तन यहाँ होने से भी कथा श्रवण नहीं हो सकती। मन जहाँ होगा वो आदमी को वहीं माना जाएगा, इसीलिए कान से श्रवण करना, मतलब कान तो है ही और ध्यान भी साथ में हो, उसका मन भी साथ में हो, तल्लीनता के साथ में, वहाँ क्या प्रसंग चल रहा है ये ध्यान देकर के सुनना, इसको बोलते हैं कान देकर के सुनना। एकदम मगन होकर के निष्ठा से ध्यान पूर्वक श्रवण करना, ये अर्थ है। तो यहाँ कहा कथा सुनत है कान, बड़े ध्यान पूर्वक अपने श्रवण इंद्रिय से वो कथा रस को पान कर रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं, ये अर्थ है। तहां आए दीदार दिया, तो इस तरह से एक दिन कथा सुनते हुए, कथा सुनते हुए ध्यान से वो श्री कृष्ण लीला कथा अमृत पान कर रहे हैं, आंखें बंद है लेकिन कान खुले हैं, मन भी वहीं पर लगा हुआ है, तो सद्गुरु जी कथा श्रवण कर रहे हैं। उस समय अब तहां आए दीदार दिया, वहां आकर के दीदार मतलब दर्शन दिया, दीदार मतलब दर्शन दिया, और क्या कहा? तुमको मेरी है पहचान, दर्शन दिया और दे करके क्या पूछा? तुमको मेरी है पहचान, क्या तुम मुझे जानते हो, मुझे पहचानते हो, ऐसा कहा। तो आगे लालदास जी महाराज क्या बोल रहे हैं, ये ध्यान से श्रवण करना। इतना प्रसंग होने के बाद थोड़ा सा वो प्रसंग को समझाना चाहते हैं और स्पष्ट रूप से। तो ये दीदार देने वाले, दर्शन देने वाले स्वरूप के विषय में अब कह रहे हैं, वो स्वरूप किस प्रकार का है? तो कहते हैं वय किशोर अति सुंदर, वय मतलब आयु अवस्था,
किशोर अति सुंदर, आयु कैसी है, किशोरा किशोरावस्था है, अवस्था कैसी है, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था किसको बोलते पता है, जो अभी के भाषा अभी की भाषा में टीनेज बोलते हैं ना, हाँ टीन जहाँ से शुरू होता है ना, जैसे 1 2 3 करते करते 12 तक जाएंगे, अब टीन कहाँ से शुरू होगा, 13 13 14 15 16 17 18 19, बस इतने को टीन बोलते हैं, टीनेज टीनेजर बोलते हैं, इसको बोलते हैं 13 से लेकर के 19 तक, बस इसी को संस्कृत में किशोरावस्था, वो 13 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक, इसको किशोरावस्था बोलते हैं। अब यहाँ किशोरावस्था का मतलब हमारे शास्त्रों में और वाणी में वितक में इसके आधार पर लगभग 16-17 वर्ष की आयु। अब टीन किशोर तो 13 से हो गए, 13 से 19 तक, लेकिन वहाँ 13 भी नहीं 19 भी नहीं, 16-17 की मध्य किशोर अवस्था, मध्य मतलब कहाँ हो गया, अब 13 14 15 16 16 17 18 19, मध्य कहाँ आया, 16 आया ना, बिल्कुल मध्य है किशोरावस्था का मध्य, तो 16 वर्ष की आयु ऐसी लगती है, वो स्वरूप ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं, वो तो संसार के हिसाब से बोल रहे हैं ना, संसार के हिसाब से 16 वर्ष का जो नौजवान है, सर्वांग सुंदर है, वो उसको एक माध्यम बना करके बोल रहे हैं, लेकिन परमात्मा की कोई उम्र तो है नहीं, उनकी कोई आयु है नहीं, जिसकी आयु होती है वो आयु छीण होती है, परमात्मा की तो कोई आयु, वो कल भी थे आज भी है, कल भी आने वाले कल भी रहेंगे, तो उनकी कोई आयु नहीं, कोई उम्र नहीं है, लेकिन समझाने के लिए कैसे, तो समझाने के लिए कहा वो किशोर अवस्था के, उनकी अवस्था ऐसी लगती है कि मानव वो किशोर अवस्था के हो, वो उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा मत मानना कि वो 16 साल के हैं, ऐसा नहीं है, मानो 16 साल के हो, इस प्रकार के। और क्या कहा, अति सुंदर, अत्यंत सुंदर है, देखते रहें निहारते रहें, इस प्रकार के सुंदर है, इस प्रकार का सौंदर्य उनमें है, वो स्वरूप के विषय में बोल रहे हैं। उनके अतिरिक्त ऐसा सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता, इतना सौंदर्यशाली और कोई हो ही नहीं सकते, इतना सुंदर है स्वरूप, वो शब्द से वर्णन नहीं कर सकते, वो एक अनुभव करने की बात है, इतना सुंदर, इतना सुंदर, जो संसार में ऐसा सुंदर कुछ है ही नहीं, सबसे अधिक सुंदर मानव वही हो, इस प्रकार से अति सुंदर, जिसका अब स्वरूप बाह्य स्वरूप कैसा है इसके विषय में, अभी तक तो क्या क्या दिया, सीधा सीधा देखने से कि इतने सुंदर, इतने सुंदर शब्द में कैसे वर्णन करें, इतने सुंदर स्वरूप है, लेकिन अब समझाना तो पड़ेगा, कैसा, समझाने के लिए बोल रहे हैं कि स्वरूप खिला जो वृंदावन ना, मानो उनका स्वरूप कैसा है कि वृंदावन में रास रचाने वाले वृंदावन बिहारी, रास बिहारी, इस स्वरूप में उन्होंने दर्शन दिया, कहते हैं स्वरूप जो रास बिहारी का स्वरूप, लीला बिहारी का स्वरूप, वृंदावन बिहारी का स्वरूप, जो वृंदावन में अखंड वृंदावन में अखंड रास रचाने वाले वो स्वरूप, उन्होंने इस प्रकार के स्वरूप में आकर के साक्षात श्री राज जी ने आकर के दर्शन दिया। तो देखो यहाँ समझाने के लिए बोल रहे हैं, स्वरूप खेला जो वृंदावन, उनका स्वरूप राज्य का स्वरूप कैसा है कि वो रास में सखियों के साथ में वो रास क्रीड़ा करने वाले, रास बिहारी का दिव्य स्वरूप जैसा है वैसा ही स्वरूप श्री राज्य का यहाँ है, जिन्होंने सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को दर्शन दिया।
और कहते हैं देख श्री देवचंद्र जी ने कहा जैसी गवाई दही मन्ना। अब कहा देख करके उन स्वरूप को दर्शन करके उनके दर्शन करके उनको देख करके अब देवचंद्र जी महाराज ने कहा। अब ये ऊपर से अब जोड़ना ठीक है, एक चौपाई ऊपर जाना तो यहाँ क्या कहा था, तहाँ आए दीदार दिया तुमको मेरी है पहचान, ये पूछा था ना कि तुम मुझे जानते हो मेरी पहचान है, ये पूछा था कि नहीं। तो अब बीच में एक चौपाई उनके स्वरूप के विषय में, तो अब नीचे वाली लाइन में कहते हैं देवचंद्र जी ने जो उन्होंने पूछा था प्रश्न किया था तुम मुझे जानते हो क्या, तो इसके प्रत्युत्तर देते हुए देवचंद्र जी ने कहा लेकिन किस प्रकार से, वह कहते हैं जैसी गवाही दई मन, उनके मन ने जैसा साक्षी दिया, गवाही मतलब साक्षी जैसा दिया, इस भाव से जिस प्रकार से उनके अंतर्हृदय से जो बात आ गई उनको लगा कि हाँ यह है, अंतर मन से जो साक्षी दी अंतर मन ने उसी आधार पर देवचंद्र जी महाराज ने उत्तर दिया। अब क्या कहते हैं कि तुम हमारे खावंद एता जानत हैं हम आपको पहचानत हो कौन कहां से आए तुम। यहाँ भी अब दोनों की बात है, देखो सदगुरु जी ने क्या कहा तुम हमारे खावंद, पहले ही कहा ना कि जैसी गवाही दई मन, मन ने जैसा गवाही दिया गवाह दिया साक्षी जैसे मन ने दिया उसी आधार पर देवचंद्र जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि तुम हमारे खावंद, आप पूछ रहे हैं मैं कौन मुझे जानते हो, तो मैं इतना तो जानता हूँ तुम मतलब आप हमारे खावंद, मेरे मालिक है स्वामी है, खावंद का मतलब स्वामी मालिक, मेरे मालिक आप हैं। एता जानत हैं हम, एता मतलब इतना जानत मैं हैं हम इतना ही जानते हैं आप मेरे स्वामी हैं आप मालिक हैं भरतार हैं इतना हम जानते हैं। इतना कहा, इतने कहने के बाद में फिर राज्य क्या बोल रहे हैं, वो दर्शन देने वाले स्वरूप ने क्या क्या कहा, आपको जानत हो, देखो या आप कौन है, आप मतलब स्वयं, तुम स्वयं को जानते हो। जब सदगुरु जी ने कहा क्या कहा कि आप तो मेरे मालिक हैं आप मेरे स्वामी हैं मैं इतना जानता हूं, फिर अटक गए। फिर राजी ने वो स्वरूप ने फिर पूछा आपको पहचाना तो हो, ठीक है मुझे तो तुमने अपने मालिक के रूप में जाना पहचाना, लेकिन आप स्वयं को जानते हो अपने आप को जानते हो क्या, ये अर्थ है आप मतलब अपने आप स्वयं को भी जानते हो क्या, कौन हो तुम। देखो यहाँ स्पष्टकरण हो गया ना कि कौन कहाँ से आए तुम, माँ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, ये प्रश्न किया किन्होंने, जो जिस स्वरूप ने दर्शन दिया, दर्शन देकर ये प्रश्न कर रहे हैं। तो देखो ये वाणी में भी बड़ा सुंदर स्पष्ट बताया है ना, कलश ग्रंथ के प्रथम प्रकरण में इसका कितना बढ़िया स्पष्टीकरण कहा है। तो तू कौन इत आई क्यों कर रहा, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की दृढ़ कर कहो वचन, ये पूछा था कि नहीं। तो ये कलश ग्रंथ में बड़ा सुंदर इसका विवेचन किया है और आगे भी क्या कहते हैं, तू जागत है कि नींद में, करके देख विचार, तू जागत है कि नींद में, करके देख विचार विद सारी या की कहो इन जीमी के प्रकार, ये प्रश्न किया। जब देवचंद्र जी महाराज ने क्या कहा कि आप मेरे मालिक हैं मैं इतना ही जानता हूँ, उसके बाद में
उन्होंने पूछा, मुझे तो इतना जानते हो, तुम अपने आप को जानते हो कि नहीं? तुम कहाँ से आए हो? तू कौन? इत आई क्यों कर रहा? यही अर्थ हो गया ना, कौन मतलब तुम कौन, तू कौन? इत आई क्यों कर रहा मतलब कहाँ से आए? देखो एक एक मिलान करते जाना चाहिए। तू कौन? इत आई क्यों कर रहा? कहाँ है तेरा वतन? ना तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारा वतन घर मूल स्थान कहाँ पर है? और कहा, नार तू कौन खसम की? तुम किसकी शक्ति हो? यहाँ नार अब ये संसार के हिसाब से यहाँ बोल रहे हैं, लेकिन ये शक्ति नार मतलब शक्ति के उसमें है। तुम किस की शक्ति हो? किसकी आत्मा हो? अथवा तुम किसकी अर्धांगिनी हो? और संसार के हिसाब से कहें तो किसकी पत्नी हो? ये पूछा। नार तू कौन खसम की? दृढ़ कर कहो वचन, दृढ़ता से, ऐसे ही उपरा उपरी नहीं, दृढ़ता से तुम हमें जवाब दो। इतना ही नहीं, तुम जागत है, जागत हो कि नींद में? तुम जागृत हो या नींद में? जागृत अवस्था में जवाब देने वाले हो या निद्रा अवस्था में, निद्राधीन हो करके जवाब देने वाले हो? करके देख विचार, विचार पूर्वक देख लो और विद सारी या की कहो इन जिमी का प्रकार। यहाँ इन जिमी का मतलब इस संसार का, इस विश्व प्रपंच का, इसका इसका क्या यथार्थता है? इसकी इसकी विधि मतलब इसकी यथार्थता, इसकी तात्पर्यता क्या है? यह भी तुम मुझे अच्छी तरह से समझाओ, जवाब दो। तो इस तरह से जब कहा, कौन कहाँ से आए तुम, इसमें सारा ये सब आ गया। तो अब सदगुरु जी जवाब देते हैं, इतना हम जानत हैं जो धनी हमारे तुम, कहा तुम एता ही जानत, अब बतावे हम। अब यहाँ इतने पूछने के बाद सदगुरु जी क्या बता रहे हैं कि इतना हम जानत हैं, हे प्रभु, हे धनी, मैं इतना ही जानता हूँ। कितना? जो धनी हमारे तुम, आप मेरे धनी हैं, मालिक है, स्वामी हैं, खाबंद है, भरतार है, मेरे सब कुछ आप ही हैं। इतने कहने के बाद कह्या तुम एता ही जानत, अब बतावे हम। या कह्या मतलब अब श्री राज जी ने कहा, जो स्वरूप ने दर्शन दिया है, वार्तालाप कर रहे हैं, उस स्वरूप ने अब कहा, श्री राज जी ने कहा क्या? तुम एता ही जानत, तुम इतना ही जानते हो क्या? इतना ही जानते हो? यदि इतना ही जानते हो तो आगे का जो रहस्य है मैं बताऊंगा। यहाँ कह रहे हैं कि अब बतावे हम। देखो पहले उसके अंदर, शिष्य के अंदर जिज्ञासा कितनी है ये जानना गुरु का कर्तव्य होता है। और किस स्टेज का, मतलब वो कितना जानता है, वो भी जानना आवश्यक होता है। और थोड़ा बहुत जानता हो और जो जानी हुई चीज बार बार बताएं तो भी वो ठीक नहीं है। और बिल्कुल नहीं जानता हो और प्रारंभ से प्रारंभ ना करें तो भी ठीक नहीं है। इसीलिए यहाँ देखिए यही कहा, बार बार पूछा, तुम क्या क्या जानते हो? मुझे जानते हो, स्वयं को जानते हो, तुम कहाँ से आए, किस लिए आए, तुम्हारा नाम क्या है, ये संसार क्या है, इसकी यथार्थता क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है, इसको बनाने वाला कौन है, आदि आदि सब प्रश्न किया। फिर सदगुरु जी ने बार बार क्या कहा कि मैं आपको जानता हूँ, आप मेरे धनी हैं, बस इतना ही जानता हूँ। देखो वित्तक में यह है, वित्तक में इस प्रकार से कहा है, लेकिन उधर कलश में जाते जाते कि सदगुरु जी कहते हैं, देखो ये विश्व प्रपंच के विषय में थोड़ा बता देते हैं, मैं जितना जानता हूँ उसके आधार पर ये विश्व की स्थिति इस प्रकार से है करके इसकी प्रपंचता की बात भी वे
थोड़ा बता देते हैं, यहाँ के रहन सहन के विषय में भी सब बता देते हैं। फिर कहते हैं बस इतना तो मैं अपने हिसाब से मैं कह सकता हूँ, लेकिन यही है ऐसा मेरा मानना नहीं है। अब आप जैसे बताएंगे जैसे समझाएंगे वही सर्वश्रेष्ठ है, वही विशेष है। इस तरह से जब सद्गुरु जी बताते हैं तब यहाँ कहते हैं अब बतावे हम, अब मैं बताऊंगा। कौन बोल रहे हैं? वो दर्शन देने वाले खावंद, दर्शन देने वाले स्वरूप जो राज्य के स्वरूप है वही बताएंगे। तो कहा, क्या कहा? नाम तुम्हारा बाई सुंदर, खेले तुम ब्रजरास में मनोरथ पूरी ना भय। ये तीसरा हुआ तीन से। अब सुने ध्यान से, तो उन्होंने कहा कि नाम तुम्हारा बाई सुंदर। देखिए यहाँ हे देवचंद्र करके अभी तक संबोधन किया ही नहीं है, वो प्रश्न कर रहे थे, इधर सदगुरु जी जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने संबोधन क्या किया कि सुंदर बाई, हे सुंदर बाई, इसीलिए कि तुम्हारा नाम क्या है, सुंदर बाई है। नाम तुम्हारा बाई सुंदर, तुम सुंदर बाई हो। कहाँ की? परमधाम की, जहाँ हम सभी एक साथ रहते हैं, 12,000 ब्रह्म प्रिया उसी धाम में अपने धनी के साथ में, श्यामा जी के साथ में सभी मिलकर के वहाँ आनंद विलास करते हैं। उस धाम जहाँ जाने के बाद पुनः लौटना नहीं होता है, जो स्वयं प्रकाश है, जो परम सत्य है, पूर्ण है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वो ऐसा धाम जो सर्वोपरि है, सर्वोत्कृष्ट है, परम मतलब श्रेष्ठ धाम, सबसे श्रेष्ठ धाम होने से ही उसको परम धाम कहा। धाम तो अलग अलग भी है ना, इसलिए वो परम धाम है, सबसे श्रेष्ठ, सबसे विशिष्ट, सबसे उत्कृष्ट होने के कारण उसको परम धाम कहा। उससे श्रेष्ठ और कोई धाम हो ही नहीं सकता, जो स्वयं प्रकाश है, जहाँ पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा निवास करते हैं अपनी शक्ति से, अपने प्रभाव से, अपने प्रकाश से। ऐसे धाम में 12,000 ब्रह्म प्रियाएं वहां पर निवास करती है। वहां की तुम विशेष सखी, विशेष आत्मा हो, तुम्हारा नाम क्या है, सुंदर बाई है। सुंदर बाई कहें या श्यामा जी कहें, अंतर नहीं है। तो वहां पर तुम सुंदर बाई के रूप में थी, इसीलिए अब नाम तुम्हारा बाई सुंदर, खेले तुम ब्रजरास में, परमधाम में रहते हुए कभी तुम्हें दुख दर्द पीड़ा इत्यादि, मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, कष्ट क्या है आदि, इस प्रपंच का कोई भी पता नहीं था, जानते नहीं थे, इसीलिए इस प्रपंच को, मायावी खेल को देखने के लिए तुमने जिद की। बड़ा सुंदर प्रसंग है, इसको मैं लंबा नहीं करूँगा। तो तुम लोगों ने ये खेल देखने की मांग की और मैंने तुम सबकी मांग पूरी करने के लिए इस विश्व प्रपंच में भेजा। सर्वप्रथम कहाँ पर? सुरता रूप से ब्रज में भेजा। तो यहाँ आया ना कि खेले तुम ब्रज रास में, तुम सबसे पहले ब्रज में अवतरित हुई और फिर वहाँ इच्छा पूरी न होने के कारण, इच्छाएं अधूरी रहने के कारण फिर रास में गए और वहाँ भी बड़ा आनंद लिया। लेकिन परमधाम में जो वादा किया था वो वादा पूर्ण न होने पर, रास में भी तुम्हारी इच्छा अधूरी रहने पर और फिर जागनी ब्रह्मांड में सब ब्रह्म आत्मा खेल देखने के लिए आई। यहाँ कहने का मतलब खेले तुम ब्रजरास में, ब्रजरास में तुमने लीला की, मनोरथ पूरे ना भय, मनोकामनाएं पूर्ण न होने पर, मनोरथ
पूरे ना भाई, इसलिए ये तीसरा हुआ तीन से, ये तीसरा मतलब ये तृतीय ब्रह्मांड जिसको जागनी का ब्रह्मांड बोलते हैं, इसलिए तीन से मतलब इच्छा अधूरी रहने के कारण से, ये अर्थ है, इच्छा अधूरी रहने के कारण से राजी ने अक्षर ब्रह्म को पुनः आदेश दे दिया, तो इस कारण बना तो ये तृतीय ब्रह्मांड भी बन गया। यहाँ पर इस जागनी के ब्रह्मांड में यहाँ आकर के अब माया का खेल तुम सब देख रहे हो, खेल रहे हो, ये भाव है। कि इतना कहा कि अब साथ, अब सब साथ बुलाए के आओ अपने धाम, धनी वे साथ कहाँ हैं, कहा मैं भेजूं तमाम। तो यहाँ पर क्या कहा कि अब सब साथ बुलाए के, सब कहा वृतांत परम धाम से लेकर के ब्रज रास जागनी का पूरा वृतांत सब सुनाया, सब उन्होंने पहले जो परम धाम में संवाद हुआ था, प्रेम रबद हुआ था कि तुम लोग सब कुछ भूल जाओगी, और बार बार समझाने के बाद भी तुम लोग समझ नहीं पाओगी, इतने मदहोश होकर के सोओगी, बार बार जगाने के बाद में भी तुम लोग जाग नहीं पाओगी, ऐसे करके राजी ने जब समझाया था तो पूरी घटना सब सुना सुना करके सदगुरु जी को वहाँ सुनाया, पूरा वर्णन किया, और सदगुरु जी को जब होश आया, सदगुरु जी को बोलने लगे राज जी क्या कि अब सब साथ बुलाए के आओ अपने धाम। तो अपने धाम में सब साथ, अब मैं जो बात, जो गूढ़ रहस्य तुम लोगों तुम्हें बता रहा हूँ, उसी रहस्य को सुना करके, इसी रहस्य को बता करके क्या करना, आओ अपने धाम, अकेले नहीं, सब साथ को बुला करके, सब जो भूली भटकी आत्माएं हैं, जो परमधाम से यहाँ आई हुई है लेकिन बिल्कुल निचेष्ट होकर के इस माया के मद में मदहोश होकर के यहीं रच पच गए, यहीं रल गए, मिल गए और यहाँ खेल खेल रहे हैं, ऐसी सभी आत्माओं को बुला करके आओ अपने धाम, अपने धाम में लौट चलो, लौट आओ। तब इतना कहा तो देवचंद्र जी महाराज यहाँ प्रश्न करते हैं, धनी वे साथ कहाँ हैं, कहा मैं भेजो तमाम। जब राजी ने आज्ञा की सबको बुला करके लाना, तब देवचंद्र जी महाराज बोलते हैं कि हे धनी, वे साथ कहाँ पर हैं, वे साथ कहाँ पर हैं, मुझे कहाँ मिलेंगे। इस तरह से प्रश्न किया कि प्रश्न करने के बाद राजी क्या बोलते हैं, कया मैं भेजूं तमाम, कया कहा मैं भेजूं तमाम, तमाम मतलब सभी को, सभी को मैं यहाँ भेजने वाला हूँ, आप चिंता मत करो, मैं सबको आपके पास में, आपके निकट भेजने वाला हूँ। कया मैं भेजूं तमाम, मैं सभी को भेजूंगा, सबको ढूंढ ढूंढ करके कौन ऐसी शुद्ध आत्मा है, कौन विशेष आत्मा है, कौन परमधाम की आत्मा है, उनको ढूंढ ढूंढ करके, चुन चुन करके मैं आपके पास भेजूंगा। यह है कि कहा मैं भेजूं तमाम, और आगे कहा यह भागवत कागद तुम्हारा, ये तुम्हें खुले कलाम, और कोई ना खोल सके ये जो खलक आम। तो यहाँ कहते हैं तब राजी ने क्या कहा, यह भागवत कागद तुम्हारा, हे सुंदर भाई, हे श्यामा, अभी तक तुम जो श्रवण कर रही हो यह भागवत ग्रंथ, भागवत महापुराण, परमहंस संहिता, पुराण तिलक जिसको बोलते हैं, ऐसा महान ग्रंथ, उसके लिए बोलते हैं यह भागवत कागद तुम्हारा, ये तुम्हारे लिए चिट्ठी है, ये पत्र है, तुम्हारा मतलब यहाँ तुम्हारा पत्र है, और सब तुम्हारे जैसे ब्रह्म आत्मा, सभी ब्रह्म मुनियों के लिए ये पत्र है, कागद, यहाँ ये अर्थ है, कागज का मतलब चिट्ठी पत्र। तो यह भागवत कागज तुम्हारा, ये तुम्हें खुले कलाम, कलाम मतलब वचन,
ये शास्त्र के वचन, ये गूढ़ रहस्य वचन, गूढ़ रहस्य, इसको प्राचीन शब्द में बोले तो इसको बोलते आर्षवाणी, आर्षवाणी। तो ये बड़े परमात्मीय वचन आर्षवाणी, ऐसे शास्त्रों का वचन है यह भागवत ग्रंथ रूपी जो आर्षवाणी है, यह वचन है, ये क्या है, जो ए तुम्हें खुले कलाम, ये तुम्हें ही स्पष्ट होने वाला, खुलने का मतलब स्पष्ट होना, स्पष्टीकरण होना। ये चिट्ठी पढ़ोगे, ये भागवत तुम पढ़ोगे तो तुम्हें स्पष्ट होगा, एक एक वस्तु तुम्हें समझ में आने लग जाएगी, एक एक प्रसंग, एक एक शब्द, उसका भाव क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, सब कुछ तुम समझ पाओगी, क्योंकि यह तुम्हारी चिट्ठी है, ब्रह्म मुनियों की चिट्ठी है, सुंदर साध की चिट्ठी है, और कोई ना खोल सके, और कोई इसका स्पष्ट अर्थ नहीं कर सकता, इसका इसकी इसका स्पष्टीकरण और अन्य से होने वाला नहीं है। ये जो खलक आम, यह आम खलक मतलब जीव सृष्टि के अर्थ में है, ये मायावी सृष्टि, ये जीव सृष्टियों के द्वारा, अल्प ज्ञानियों के द्वारा, अल्प मतियों के द्वारा इसका सही सही अर्थ घटन हो नहीं पाएगा, इसका रहस्य कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि जिसकी चिट्ठी है, इसका पत्र है, वही तो समझ पाएगा ना। तो देखो ऐसा ही होता है, यहां किसी के भी घर से कोई चिट्ठी आए तो वहाँ क्या क्या है, गांव के विषय में विगत लिखा होगा, खेत बाड़ी के विषय में विगत लिखा होगा, अड़ोस पड़ोस के विषय में लिखा होगा, तो जिसके साथ संबंधित चिट्ठी है वही तो समझ पाएगा, बाकी दूसरा क्या समझेगा, पढ़ेगा उसके लिए तो कुछ पल्ला ही नहीं पड़ेगा ना, कहाँ कहाँ की बात की है उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। लेकिन जिसकी चिट्ठी है, जिसने जाना है अपने गांव को, अपने घर को, अपने अड़ोस पड़ोस को, सबको जाना है, और वहाँ के विषय में किसी ने पत्र भेजा तो तुरंत वो विजुलाइज हो जाता है ना, तुरंत हम देखने लग जाते हैं, हाँ ये बात है। जैसे अब यहाँ हम मूल मिलावा बाड़ी कोई कह दे, चिट्ठी में लिख करके कह दे, अथवा यूं ही ऐसे ही बोल दे, तो तुरंत हमारा ध्यान वहाँ पहुँच जाता है ना, मूल मिला बाड़ी किस प्रकार से है, वहाँ पर कमर भर ऊंचा चबूतरा बनाया था 12,000 पारायण में, और अभी उसकी स्थिति किस प्रकार से है, आसपास क्या क्या बोया गया है और क्या क्या लगाया गया है, बाउंड्री किस प्रकार की है, झाड़ वगैरह वृक्ष वगैरह किस प्रकार से है, वो सब एक एक आँख बंद करके भी हम पहुँच जाते हैं ना। लेकिन जिसने देखा ही नहीं है, जिसने जाना ही नहीं है, तो मूल मिलावा बात क्या समझेगा, समझेगा नहीं ना, क्योंकि उसके साथ संबंधित नहीं है, इसलिए नहीं समझेगा। इसी तरह से ये भागवत कागज तुम्हारा, ये ब्रह्म मुनियों के लिए ये पत्र है, क्योंकि उनसे संबंधित है, इसलिए इसका सही अर्थ उनको ही मालूम पड़ेगा, वही अर्थ घटन कर सकेंगे, अर्थ को खोल पाएंगे, स्पष्ट खुलेगा, मतलब ये और कोई ना खोल सके, अन्य किसी से ये खुलने वाला नहीं है, कोई समझने वाला भी नहीं है, ये जो खलक आम, इस तरह से ये जीव सृष्टि, ये माया के सृष्टि, अन्य जितना भी मेहनत करें, इसका सही सही अर्थघटन कोई नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से यहाँ कहते हैं, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस प्रकार से दर्शन दे करके यहाँ तक प्रसंग पहुँचा कि भागवत ग्रंथ जो श्रवण कर रहे थे, भागवत कथा, उसी के विषय में उन्होंने और स्पष्टीकरण कर दी कि यह चिट्ठी तुम्हारी है, इसलिए तुम ही इसको समझ पाओगे, तुम ही जान पाओगे, और तुम मतलब यहाँ कहने का मतलब वो तो है ही, लेकिन उनके साथ साथ में ब्रह्म सृष्टि, जिनके पास तारतम है, वो परमधाम का ज्ञान जिसके पास है, क्योंकि परमधाम की चिट्ठी है ना, इसीलिए वही समझ पाएंगे, ये अर्थ में इस तरह से समझाया गया। तो कल हम आगे बढ़ेंगे और क्या क्या है तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज इतना ही, चलिए चौपाई दोहराएं।
यह भागवत कागद तुम्हारा, ये तुम्हें खुले कलाम, और कोई ना खोल सके, ये जो खलक आम, ये जो खलक आम, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्रणाम।